नमस्कार, मैं भावना सिंह और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत का ताज मिल चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव भी चल रहे हैं, जिसमें देखा जाए तो भाजपा दांव मारती दिख रही है। इसी के चलते आपको बता दें कि झारखंड में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में दुमका सीट से उम्मीदवार वसंत सोरेन ने बाजी मारी है। देखिए हमारी ये झारखंड से खास रिपोर्ट। झारखंड में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में दुमका सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बसंत सोरेन ने जीत हासिल की है। वहीं बेरमो में राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके पुत्र को मिली कांग्रेस से टिकट पर बेरमो में 15,000 वोटों से भाजपा के उम्मीदवार योगेश महतो बटुल को पराजित किया और जीत हासिल करके बेरमो की जनता को धन्यवाद किया। उनकी जीत के जश्न में पूरे बेरमो में पटाखे जलाए गए और साथ ही मिठाई भी बांटी गई। कुमार राजा मंगल सिंह ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद सिंह के सपनों को पूरा करना, यह जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और साथ ही सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। एचबीएन न्यूज की खास रिपोर्ट। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।